फॉर्म निकल चुका है और गेट का फॉर्म तो निकल चुका है उनके भी नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो चुके हैं तो आज हम आप सभी लोगों के लिए एक और नोटिफिकेशन लेकर आए तो मेरे साथ है महेश सर और महेश सर आपको बताएंगे कि आज हम किसके बारे में नोटिफिकेशन लेके आए तो सर प्लीज बताइए स्टूडेंट को नमस्कार साथियों सबका स्वागत है उत्कर्ष परिवार में सबसे पहले हम हमेशा आपके लिए नोटिफिकेशन लेके आते हैं जो भी जॉब आती है इसी तरह से गेट के थ्रू जो गेट अपकमिंग आपका 2023 का जो गेट है उसके थ्रू आने वाली जो वैकेंसी उसमें एक और एड हो चुकी है सर कंटिन्यूटी में वैकेंसी आती जा रही yes, है और हम उस पर आपके सामने लेके आते जा रहे हैं क्या नोटिफिकेशन जो भी आ रहा है तो गेट के जितने भी मेरे विद्यार्थी लोग हैं उन सभी के लिए इस बार ओ ने निकाल दिया कि भाई ने बोल दिया कि हम गेट के थ्रू रिक्रूट करने वाले हैं जीटी को सर यही बात है yes, सर किस किस ब्रांच में आई है पहले पे स्केल पे बात कर लेते हैं उन्होंने पे स्केल सबसे पहले बताया सर सबसे बड़ी बात तो यही है कि सारा स्टूडेंट यही देखते हैं सभी लोग पहले पे स्केल क्या है वो बताइए सर तो देखो पहले जो पे स्केल है आपके पास में वो है सर सिक्सटी से लेकर एक लाख अस्सी हजार रुपए तक का पे स्केल है यानी कि ट्रेनिंग से भी अगर जाएगा स्टूडेंट तो आपको मिलने वाले हैं ये सारी चीज सर पे स्केल की बात तो चले ठीक है सबसे पहले तो सिलेक्शन के होगा तो सिलेक्शन का थ्रू जो माध्यम होने वाला है यहाँ तो आपको गेट तो देना ही पड़ेगा सर गेट का एग्जामिनेशन जो इस बार हो रहा है उसके बाद फॉर्म फिल होंगे पहले फिल

इंजीनियरिंग में अगर हम बात करें

सर एप्टीट्यूड टेस्ट है ये और लिटल इसकी फॉर्म एप्टीट्यूड क्यों रखी गई कि सर एप्टीट्यूड में एक्चुअली होता क्या है कि फॉर्मुले में वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाता है और सेम गेट में भी नॉर्मली अगर अपन बात करें 60-70 परसेंट क्वेश्चन ऐसा ही आता है और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं तो एप्टीट्यूड टाइप से ही आपका मैथेमेटिकल कैलकुलेशन से ज्यादा करवाता है गेट का एग्जाम जो है अब अपन आते हैं देखो कौन किस किस ब्रांचेस के अंदर सर पूछा गया है इसके अंदर तो अगर अपन बात करें ब्रांचेस वाइज तो देखो ब्रांचेस के अंदर सबसे पहले जो बोला हुआ है सर ये बोला हुआ है आपको मैकेनिकल के अंदर सीमेंटिंग के अंदर बोला हुआ है फिर पेट्रोलियम ब्रांचेस के अंदर बोला हुआ है फिर सिविल जो है उसके थ्रू लेने वाला है फिर मैकेनिकल में ड्रिलिंग के अंदर लेने वाला है पेट्रोलियम में भी ड्रिलिंग के अंदर लेने वाला है ये सारे जो है इन सभी के थ्रू रिक्रूट रिक्रूट करेगा और अपन बात करते हैं सर इलेक्ट्रिकल की इसके बाद में तो इसके बाद में जो थोड़ा सा इनलार्ज कर देते हैं हम आपके लिए यस yes. अब इलेक्ट्रिकल में बात सर कर ली, कर ली जाए तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिकल मैकेनिकल में प्रोडक्शन उसके बाद अगर देखा जाए तो प्रोडक्शन केमिकल प्रोडक्शन पेट्रोलियम ये सारी की सारी ब्रांच में आपके लिए यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आपके लिए निकाला गया है सर और भी ब्रांच है जैसे इन्वायरमेंट हो गया सर और रिजर्व भी यहाँ पर एक दिया हुआ भी दिया हुआ सर सर मेन चीज इसमें ये है एक्चुअली स्टूडेंट अप्लाई वही कर सकता है उसके लिए क्राइटेरिया भी दिया हुआ है कि मिनिमम डिग्री के अंदर जो सर है मिनिमम सिक्सटी परसेंट जो है उसके पास में मार्क्स होने चाहिए अगर 60 परसेंट मार्क्स किसी के अंदर डिग्री के अंदर नहीं है तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है आप सभी के लिए सबसे पहले फॉर्म फिल करने से पहले अपनी डिग्री चेक कर लेना कि भाई डिग्री में 60 मार्क्स है नहीं और सर मैं आपसे एक बात और बताना चाहता हूँ कि गेट में गेट के थ्रू जब भी कोई रिक्रूटमेंट होता है ना, तो मिनिमम मिनिमम तो परसे होते हैं जनरल में और बहुत सारे सेवेंटी परसेंट भी कोई ले जाता है किसी के सेवेंटी भी रहता है ऐसा सभी के नंबर ऑफ पी एस सू सिक्सटी परसेंट से अब मांगती है मतलब सारी पी 60 परसेंट अब मंगती है उससे उससे नीचे

ड्रिलिंग सीमेंटिंग के लिए बोला हुआ है और ऑल पोस्ट एक्सपेक्टेड बोला हुआ है फॉर के लिए बोला, के सीमेंटिंग अंदर बोला है, 28, 31, 33, 30, 30 38, है। अलग अलग आपको दे रखा है एज क्राइटेरिया किसके अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हो ना ओबीसी के अंदर जैसे थर्टी थ्री बोला हुआ है ये सारा किसके अंदर है सर सीमेंटिंग और ड्रिलिंग और इन सभी के अंदर है ना नेक्स्ट इसके अंदर मेन चीज सर वही की स्टूडेंट बोलेगा सर कब से स्टार्ट होने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा उसके बारे में थोड़ा सा बात कर ले तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं तो यहाँ सर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में सबसे पहले अगर बात करें तो इन्होंने बताया हुआ कि जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें इन्होंने बोला हुआ आपको गेट 2023 में अपियर होना पड़ेगा यस yes, सबसे पहले तो सर यही इन्होंने बोला है सर so, गेट का एग्जाम गेट के थ्रू वैकेंसी है तो गेट का एग्जाम तो स्टूडेंट को देना ही पड़ेगा mm. जब तक गेट का एग्जाम नहीं देंगे तब तक तो वो लेगा नहीं इसके थ्रू बिल्कुल बिल्कुल और नेक्स्ट अगर इसके बाद में अपन बात करें तो उन्होंने बोला है कि अगर आपको अप्लाई करना है ओएनजीसी के अंदर तो आपको मेन साइट पर जाना है ठीक है और वहां पर जाकर आपको क्या करना है ये फॉर्म फिल करना है लेकिन सर फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाला है तो उसके लिए उन्होंने डेट भी मेंशन की है कि जो आपका गेट का जो एप्लीकेशन प्रोसेस है गेट के बारे में पहले बताया कि गेट के थ्रू लेने वाला है तो वो थर्टी अगस्त से स्टार्ट हो चुका है

तो ये सारी मेन चीज जो है इंपॉर्टेंट डेट्स जो है जो स्टूडेंट को ध्यान रखना है इस नोटिफिकेशन तो गेट, yes, गेट जो, जो गेट गेट उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस आगे की ओर बढ़ेगा तो पहला है कि गेट आपको भरना है दूसरी बात इन्होंने साफ बोल दिया कि आपका ये लिंक जो एक्टिवेट होगा ये लगभग मई और मई और अप्रैल और में होगा तो उससे पहले आपका रिजल्ट्स आ जाएगा तो आपको ये ये कंफर्म भी हो जाएगा कि आप इसमें फिल करें या ना करें yes, अपना sir. मन बना लिया जाएगा यस yes, तो सर, सर वो तो ही मतलब मेन चीज वही है सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा जैसे अपन ये नोटिफिकेशन लाए तो थोड़ा तो 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 गेट का स्ट्रेटेजी यस yes, आपके अकॉर्डिंग एक बच्चे को किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए और किस तरह से मतलब देखो सर एक सिलेबस देखा जाए तो काफी बड़ा सिलेबस अगर सर हम इलेक्ट्रिकल ब्रांच की ही बात कर ले हाँ पर तो हमें इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पर बेसिकली कि अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं फिर मैकेनिकल से हैं तो थोड़ा बहुत मैकेनिकल में मैं आपको बताता हूँ तो सर आपके अकॉर्डिंग किस तरह से बच्चे को तैयारी करनी चाहिए सर स्टूडेंट को तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको तैयारी करनी है तो उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस चैनल पर सर पूरी तैयारी करवाई जा रही है इसमें अपन जो भी मतलब अपने को लगता है कि जो एक्सपेक्टेड टॉपिक है जो गेट के 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 एग्जाम अंदर पूछे जा सकते हैं जहां से क्वेश्चन आने चांसेस ज्यादा है तो वो सारी क्लासेस अपन कंडक्ट करवा रहे हैं तो क्लास अगर स्टूडेंट अगर क्लास लेगा कि किस लेवल की टीचिंग करवाई जा रही है तो वहां से मेरे अकॉर्डिंग उसको ज्यादा पता लगेगा कि भाई एग्जाम में किस तरीके क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं क्योंकि गेट एग्जाम ऐसा एग्जाम है जो जैसे क्वेश्चन रिपीट नहीं करता बहुत रेयर केस में क्वेश्चन रिपीट करता है बाकी नया ही कॉन्सेप्ट बनाता है तो इंजीनियर्स क्लासेस पर जो है हम सभी स्टूडेंट के लिए नए कॉन्सेप्ट के साथ में नए क्वेश्चन फॉर्म करके हम उसका सॉल्यूशन भी सर लेके आ रहे हैं तो देखिए डियर गेट एग्जामिनेशन में आपसे न्यूमेरिकल पोर्सन सर काफी ज्यादा आता है और न्यूमेरिकल पोर्शन ऐसा नहीं कि कि ऐसा न्यूमेरिकल है कि सर फॉर्मुला आया उसमें पुट की कुछ ऐसे भी होते हैं सर जहां concept की concept बात की बात जाती है अगर आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं तो आप उस एग्जामिनेशन को अच्छे से निकाल सकते हो और आपकी प्रैक्टिस भी सर कहीं ना कहीं इसमें uh, मेटर, करती मेटर करें है। और प्रैक्टिस आप जैसे बहुत सारे सर स्टूडेंट्स का एक, एक सवाल होता है कि सर हमने पढ़ लिया हमने सब कुछ पढ़ लिया

तो टेस्ट में किस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बना है इसका मतलब कि नहीं बनने का मतलब तो उससे वो चेक कर सकता है, कि चेक करने का एक ही जरिया है वो टेस्ट सीरीज है तो उसके तो चेक कर सकता बिल्कुल सर ने जो बात कही मैं उससे हंड्रेड परसेंट एग्री करता कि किसी भी एग्जामिनेशन को सर गेट ही नहीं किसी भी एग्जामिनेशन को निकालने का एकमात्र जो जरिया मैं मानता हूं वो है टेस्ट सीरीज आप टेस्ट को कितने सिंसियर तरीके से देते हो और सर देने का देने का मकसद नहीं होता है सर देने के बाद आपने उसको जब दिया उसके बाद आपने उसको एनालिसिस किया उसने आपने देखा कि मैंने कहां गलतियां की है अगर आपने इन गलतियों को वेरीफाई कर लिया कि यार मेरी गलती किस वजह से थी गलती गलती कुछ वजह से हो सकती है कुछ कारण हो सकते हैं जैसे सर

और मुझे किस पार्ट को और स्ट्रॉन्ग करना है मतलब जहां से क्वेश्चन नहीं बने तो उसको मुझे बार बार रिवाइज करना है उसे डीमोटिवेट नहीं होना है स्टूडेंट को मैं यही बोलना चाहूंगा कि टेस्ट सीरीज दो और टेस्ट सीरीज देने के बाद में क्या है जहां से आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उन टॉपिक पर फिर से ज्यादा फोकस करना है आपको ना कि उसे डीमोटिवेट होना है इसके लिए बिल्कुल सर ने जो कहा वो मैं एग्री करता हूं एक बात देखो मैं आपको इसमें एक चीज और एड करूंगा सर जैसे पहला मैंने रीजन बताया दूसरा yes, रीजन होता है कि जब भी आप टेस्ट दोगे ना जब आप टेस्ट देने के बाद आपने देखा कि मेरा क्वेश्चन क्यों गलत हुआ तो उसका दूसरा रीजन सर होता है कंसेप्ट आपका कॉन्सेप्ट हो सकता है कि आपने जो था वो गलत लगा दिया तो कम से कम क्या होगा जब आपको ये पता लग जाएगा कि नहीं यार ये कॉन्सेप्ट मेरा गलत था तो आप उस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा अच्छा क्या कर सकते हो और सर ने कहा टेस्ट देखो पहले टेस्ट में आपके कम नंबर आएंगे कोई बात नहीं है आप एक शेड्यूल बना लो कि मैं हर दिन कुछ इंप्रूव करते हुए टेस्ट को दूंगा सर यस yes, सर तो सर हो सकता है कि आपने जैसा बताया कि अगर स्टूडेंट सेवंथ मंथ बिफोर से टेस्ट देना स्टार्ट करे और वो अपने yes, अपनी अपनी परफॉर्मेंस को चेक करें और उसकी एक प्रोफाइल बना ले सर सेवंथ मंथ का मतलब तो मैं नॉर्मली इसलिए बोलता हूँ ना सर मैं क्लास में स्टूडेंट को ही बताता हूं कि सर नॉर्मली जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं उस टेस्ट सीरीज के अंदर सर सिक्सटी टेस्ट होते हैं मिनिमम नॉर्मली यही रहता है सभी का टेस्ट सीरीज का सर सिक्सटी टेस्ट है तो स्टूडेंट डेली एक टेस्ट तो देगा नहीं hmm. अब सिक्सटी टेस्ट अगर वो डेली एक भी देता है सर दो महीने कम से कम उसको टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करने में लग जाएंगे यानी अगर कोई भी दो या तीन महीने पहले टेस्ट दे रहा है तो यानी कि अगले वो दो महीने तक कंटिन्यू डेली एक टेस्ट देगा तब जाके कंप्लीट होगा और वो नॉट पॉसिबल है सर एक टेस्ट देना है तो एटलीस्ट पांच से छह दिन पहले रिवाइज करना पड़ेगा उस सब्जेक्ट को देन आफ्टर अपन टेस्ट देंगे अब पांच दिन पहले रिवाइज करना है तो, तो सर एक सब्जेक्ट एक महीने में कितना टेस्ट दे सकता है छह से सात टेस्ट दे सकता है अब छह से सात टेस्ट दे दिए मैक्सिमम दस टेस्ट देगा वो भी कब तो जब सर तीन दिन में एक सब्जेक्ट रिवाइज करेगा तब जाके एक महीने में दस टेस्ट दे सकता है तो सर 60 टेस्ट देने में कितना टाइम लगेगा बिल्कुल सर ने जो कहा सर ने बिल्कुल ऐसा प्रोफाइल बता दिया कि गलती कहाँ अपन करते हैं सर ने कह दिया कि भैया गलती आपकी यहाँ होती है देखो टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है सर यस yes, सर टेस्ट तो क्या मैंने भी खोला और मैंने देखा चलो ठीक है कुछ क्वेश्चंस मुझे आए ठीक हो गया अरे बिना पढ़े टेस्ट कौन देता है उससे पहले आपको स, जो भी सब्जेक्ट सर और मैंने टेस्ट सीरीज में देखा है कि सब्जेक्ट वाइज होती है फिर कॉम्बो होते हैं और फिर फुल लेंथ टेस्ट होते हैं yes. तो आपकी जब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं ना तो अपने सब्जेक्ट को आप पढ़िए अच्छे से जब अपने सब्जेक्ट को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे उसके बाद ही क्या हो पाएगा उसके बाद ही ना आप उस टेस्ट को दीजिए

जेक्ट वाइज में भी सर कुछ टॉपिक वाइज yes, होते हैं तो उसमें भी, भी आपको काफी हेल्प मिलेगी और नंबर ऑफ टेस्ट आप देते रहिए तो हम हम हमारा यही उद्देश्य था कि कहा अपन गलती करते हैं उस गलती को हमने आपको थोड़ा सा हमारे आपके साथ साझा किया है शेयर किया है कि आप टेस्ट सीरीज पे ध्यान दीजिए और आपने जो पढ़ा हुआ है उसका मतलब उसका आपको देखते रहना है, है कि हमारी परफॉर्मेंस किस लेवल की चल रही है तो इस तरह से अगर आप गेट को देंगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी दोस्तों और अब हम अलविदा कहने का हमारा टाइम आ चुका है सर तो आप स्टूडेंट्स को हम बोलते हैं बेस्ट ऑफ लक आप बने रहिए